विधानसभा इंदौरा के अंतर्गत आते क्षेत्र भद्रुआ, गगवाल और थपकौर में वन विभाग की भूमि व चक्की दरिया में हो रहा अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही इन अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन आज तक कोई बड़ी कार्यवाही कर पाया है। अवैध खनन को अंजाम देने वाला खनन माफिया इसी क्षेत्र से संबंध रखता है और अपने आप को सरकार और प्रशासन पर अच्छी पकड़ का हवाला देकर अवैध खनन करने का हवाला देता है। यह स्थानीय खनन माफिया बेखौफ होकर सरकार की दिशा निर्देशों का मजाक बनाकर अवैध खनन करने में जुटा है। भले ही प्रदेश में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से खनन पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बड़ी तादाद में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें चक्की दरिया की, तो इस क्षेत्र का खनन माफिया अपनी भूमि का हवाला देकर भूमि के साथ लगते चक्की दरिया में अपनी जेसीबी व ट्रैक्टर से अवैध खनन कर रात के अंधेरे में कच्चे मटेरियल को डमटाल के क्रेशर उद्योगों को सप्लाई कर मोटी रकम कमा रहा है, जिस पर विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है। विभाग के अनुसार अपनी जमीन पर भी बिना मंजूरी लिए खनन नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र के खनन माफिया द्वारा अपनी जमीन में कई कई फुट गहरे खड्डे खोद दिए गए हैं और रात के अंधेरे में चक्की के खनन कर उन गड्ढों को कच्चे मटेरियल से भर देता है और समय देखकर उसको ट्रॉलियों में भरकर डमटाल के क्रेशरों को बेच देता है। अगर कोई भी विभाग इन पर कार्यवाही करने की सोचता भी है, तो ये खनन माफिया विभाग को बेवकूफ बनाकर दिन उजाला होने से पहले ही खनन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और जब तक विभागीय अफसर अपनी कुर्सी छोड़ इनको पकड़ने के लिए आते हैं, तब तक यह खनन माफिया मोटी कमाई कर चुके होते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि यह खनन माफिया सुबह तड़के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खनन करते हैं। वहीं पत्रकारों ने जब इस आवाज को प्रशासन तक पहुंचाया, तो इन खनन माफियों पर शिकंजा कसना विभाग ने शुरू कर दिया। वहीं 2 दिन पहले भी वन रेंज अधिकारी भद्रुआ द्वारा मिट्टी से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था और उस खनन माफिया पर क्या कार्यवाही हुई, उसको विभाग ने सार्वजनिक नहीं किया है। इस संबंध में जब हमने वन रेंज अधिकारी भद्रुआ सुमन लता से बात की, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी और पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर पकड़े थे जो अपनी जमीन से भरकर ले जाने की बात कर रही हैं। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। कल से अपने विभाग के कर्मचारियों को नाका लगाकर खनन करके जा रही ट्रॉलियों को पकड़ने की बात कही गई है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए इंदौरा ब्यूरो की रिपोर्ट। धन्यवाद हिमाचल, हमें नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने के लिए। 3 करोड़ साप्ताहिक व्यूज के साथ हम है हिमाचल की पहली पसंद। ऊना से मैं विशाल शांडल्य और इस जिला में आपने दिया है हमें भरपूर प्यार। मैं निशा जडा जिला कांगड़ा की जनता का करती हूँ आभार। सिरमौर से सतीश शर्मा को भी मिला है आपका साथ। कुल्लू से मैं मनीष ठाकुर हरदम हूँ आपके लिए तैयार। मैं हूँ संवाददाता ऋषभ महेंद्रू, जो कि चंबा जिला के कोने कोने की अपडेट आपके बीच रोजाना साझा करता हूँ। पालमपुर से मैं हूँ शालिका ठाकुर, देती हूँ हर पल की अपडेट। मंडी से कोमल भारद्वाज के साथ होती है आपकी रोज मुलाकात। बिलासपुर से मैं सुभाष ठाकुर, आपके सरोकारों के लिए हम समय मुस्तैद। हमीरपुर का हर एक समाचार शिवम शर्मा पहुँचाएगा आपके घर द्वार। राजधानी शिमला से हम हैं प्रदीप, राजीव, विक्रांत और देवी और सज्जनों सोलन हेड ऑफिस से मैं हूं मुकुल देव रक्षपति, आपके सलाहकारों के लिए हर दम मुस्तैद। हम हैं लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का नंबर 1 न्यूज चैनल। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।